नमस्कार दोस्तों, 10 फरवरी 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल के साथ उस मेंस से क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज कौन सा क्वेश्चन आपको मेंस का अटेम्प्ट करना है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो मेनली हमारे लिए GS3 और इकोनॉमी के पेपर से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है कि जो FRBM एक्ट है इसके बारे में आपको बताना है कि FRBM एक्ट गवर्नमेंट लेके आई थी, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, ये क्या है इसके बारे में आपको रीजन बताना है कि गवर्नमेंट इसे क्यों लेके आई थी 2003 में। और इसके बाद में आपको बताना है कि इसकी क्या क्या विशेषता थी, इसके साइलेंट फीचर्स है वो आपको बताने हैं। और इसी के साथ आपको इसकी जो अभी तक इफिशियंसी इसका इफेक्टिवनेस है या जो इसकी प्रभावशीलता है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन है वो आपको 250 वर्ड में यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि 250 वर्ड में आपको इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट करना है। तो देखो आज इसके बारे में आर्टिकल भी है तो हम इसके बारे में साथ साथ जो कुछ पॉइंट है वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। बट आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप जब भी आंसर राइटिंग करो तो केवल जो करंट से रिलेटेड उन्हीं टॉपिक को इंक्लूड मत कीजिए, बाकी और भी सारे पॉइंट्स होते हैं उनको भी आप इंक्लूड है वो कीजिएगा। तो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो आर्टिकल आता है वो आता है आज FRBM एक्ट 2003 के बारे में ही है, तो हम उस आर्टिकल को देख लेते हैं कि क्या है। अब देखो सबसे पहले देखते हैं कि FRBM एक्ट है क्या, गवर्नमेंट इसे क्यों लेके आई थी, और फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और बजट मैनेजमेंट क्या है। और इसके सबसे पहले इन चीजों को समझने के लिए एक चीज आती है, वो आती है फिजिकल डेफिसिट, मतलब राजकोषीय घाटा। तो ये चीज हमें समझनी जरूरी है कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। तो फिजिकल डेफिसिट को समझने के लिए देखो हम एक चीज एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। वैसे फिजिकल डेफिसिट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट जिसके पास जितनी इनकम होती है उसे ज्यादा खर्चा कर देती है। मतलब से गवर्नमेंट है उसके पास 100 रुपये कमाई हो रही है पूरी साल भर और गवर्नमेंट पैसा कर रही है 120 रुपये। अब कॉमन सी बात है कि गवर्नमेंट जो 120 रुपये खर्च कर रही है, मतलब 20 रुपये ज्यादा खर्च कर रही है, तो 20 रुपये गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से तो लोन वोन तो ले रही होगी, फ्री में तो कोई बैठा नहीं है गवर्नमेंट को देने के लिए। तो गवर्नमेंट ये पैसा क्या करती है, कहीं ना कहीं से लोन लेती है। तो गवर्नमेंट अगर इस पैसे को लोन ले रही है तो गवर्नमेंट को उस 20 रुपये पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना होगा। अब देखो इंटरेस्ट देना होगा तो होगा क्या, जैसे इस साल के बजट में गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट की इनकम हुई 100 रुपये बट गवर्नमेंट ने खर्चा कर दिया 120 रुपये, तो गवर्नमेंट ने 20 रुपये ले रखे कहीं से उधार, तो गवर्नमेंट उस पर दे रही है, गवर्नमेंट उस पर ब्याज है वो चुका रही है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ब्याज कहाँ से चुकाएगी, जो अपने पास इनकम है वो। तो मतलब होगा क्या धीरे धीरे अगले साल के बजट में गवर्नमेंट ये ब्याज चुकाने में रह जाएगा, मतलब गवर्नमेंट का कुछ पैसा वो तो ब्याज में चला जाएगा। तो इससे होगा क्या, इससे होगा कि गवर्नमेंट के पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं रहेगा, मतलब गवर्नमेंट का मैक्सिमम पैसा है वो तो केवल इंटरेस्ट पे ही चला जाता है। जैसे कि देखो इस बार का वो बताऊँ कि इस बार का जैसे गवर्नमेंट का जो बजट था 2018-19 में, अगर इसके आंकड़े देखा जाए तो उससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट का जो 1 रुपया होता है ना, कि गवर्नमेंट जैसे 1 रुपया कमा रही है तो उस 1 रुपये में से जो खर्चा देखा जाए तो वो 1 रुपये का जो खर्चा, अगर गवर्नमेंट का खर्चा काउंट करते हैं तो गवर्नमेंट अगर जहाँ 1 रुपया खर्च करी उसका मतलब है कि उस 1 रुपये में से 18 पैसे तो गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में जा रहे हैं। तो मतलब देख सकते हो कि 1 रुपये का कौन कितना बड़ा हिस्सा है, देखने में आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि 18 पैसे तो है, बट आप एक बड़े लेवल पे सोच के देखिए कि गवर्नमेंट की जो GDP जितनी होती है उस GDP में से एक्चुअली यहाँ 1 रुपये का एग्जांपल लिया जाए, मतलब रुपये को देखे काउंट किया जाता है कि 1 रुपये का जो 18वां हिस्सा है वो तो एक्चुअली गवर्नमेंट है वो जो टैक्स मतलब ये इंटरेस्ट पेमेंट निकाल देती है। तो इससे होता क्या, इससे होता है कि गवर्नमेंट के पास पैसा बचता नहीं है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट का पैसा नहीं बचेगा। तो इस समस्या से निपटने के लिए FRBM एक्ट लेके आ गया था। अब देखो होता क्या है कि जो गवर्नमेंट्स होती है ना, जैसे कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी करंट गवर्नमेंट चलो, चाहे अभी BJP ले लो या पहले कांग्रेस थी, सब गवर्नमेंट ऐसा ही करती है नॉर्मली कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो वो क्या करती है, फालतू के एक्स्ट्रा खर्चे कर देती हैं। जैसे पॉपुलिज्म के कॉन्सेप्ट ले आते हैं कि उसे किसानों को फ्री सब्सिडी दे दी, किसानों को और कोई ऐसी स्कीम चला दी, तो उन स्कीम से होता क्या है गवर्नमेंट को रेवेन्यू तो होता नहीं है और फालतू का खर्चा और बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से होता क्या कि हमारे देश का फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा वो बढ़ जाता है। अब वो कुछ कारण भी हैं कि राजकोषीय घाटा बढ़ता है क्यों फिजिकल डेफिसिट, जैसे एक तो होता है कि पेमेंट ऑफ इंडेट की गवर्नमेंट ने पहले ही लोन ले रखा है तो उस लोन के ऊपर गवर्नमेंट अगर इंटरेस्ट चुका रही थी, वर्ल्ड बैंक से कहीं से भी लोन ले रही है तो उस पर इंटरेस्ट देना होगा, तो जो पैसा है वो इंटरेस्ट में चला जाता है इंटरेस्ट चुकाने में। इसका डिफेंस सेक्टर देखो, आप डिफेंस सेक्टर ये सब जानते हैं कि हमारी सभी देशों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बट आप इस चीज को एक बार न्यूट्रल होकर समझिए कि डिफेंस सेक्टर से वैसे आम जनता को कोई फायदा थोड़ी होता है कि कोई गन खरीदी। अब गन ये तो यानी को डेली उसका अचार डाल के खाना है बेचारे का, तो गन को ये चीजें काम थोड़ी आती हैं। अगर देखो कि सभी कंट्रीज आपस में शांति से रह लें तो इन चीजों की जरूरत ही नहीं होगी, तो ये फालतू का खर्चा तो होता है एक तरीके से देखा जाए तो, कि आम लोगों को इन चीजों का कोई यूज थोड़ी है डेली, कि गन आ गई तो उसका क्या यूज होगा, कोई यूज नहीं है उसका। तो बस ये कि सिक्योरिटी तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, नॉर्मली तरीके से सोच सकते हो कि सभी देशों के लिए बता रहा हूं मैं, कि ये सभी देशों के लिए समस्या ना, फिर ये मतलब डिफेंस सेक्टर पे फालतू खर्चा हो रहा है वो। इसके बाद में बात आती है
पब्लिक सेक्टर है कि पब्लिक सेक्टर की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जो पब्लिक सेक्टर की यूनिट है, पीएसयूज है, उनका भी प्रॉफिट है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम हो रहा है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट खर्चा तो देखो करना ही करना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से भी गवर्नमेंट है वो घाटे में जा रही है। अगला रीजन आता है कि टैक्स चोरी है, टैक्स इरोजन है, वो भी लगातार बढ़ रहा है, टैक्स की चोरी बहुत बढ़ रही है, तो इसलिए भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं होता, रेवेन्यू नहीं होता तो ऑब्वियसली खर्चा बढ़ रहा ही बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी सही ढंग से हासिल नहीं किया जा रहा। तो एक ये रीजन है कि रेवेन्यू का सही ढंग से यूज है वो भी नहीं हो पाता है, क्योंकि देखो रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट को काफी सारा, बट वो गवर्नमेंट करती क्या उस रेवेन्यू का, उस रेवेन्यू का कुछ हिस्सा है वो तो फालतू की सब्सिडी में, पॉपुलिज्म में चला देती है इधर उधर। तो वो भी मतलब रेवेन्यू है गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है उसका प्रॉपर ढंग से गवर्नमेंट है यूटिलाइजेशन वो नहीं कर पाती है। इसके बाद में आती है सब्सिडीज। देखो सब्सिडी तो आप जानते हो कि गवर्नमेंट के ऊपर फालतू का बोझ ही है, कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो उससे गवर्नमेंट को अर्निंग तो हो नहीं रही है, वो गवर्नमेंट का फालतू का खर्चा ही है, तो सब्सिडी से भी हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ाते हैं। तो ये कुछ रीजंस है कि इनकी वजह से हमारे देश का राजकोषीय घाटा या जो फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ता है। तो ये सारे रीजन हमने देखे। अब देखो गवर्नमेंट को क्या कि स्टेप लेने चाहिए, तो इन स्टेपों को गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना अगर जब तक इन चीज़ों को हमने काउंट मतलब इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक हमें काफ़ी लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने 2003 में एक्ट बनाया, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि भाई एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए गवर्नमेंट प्रावधान करेगी कमेटी इस एक्ट के तहत कि भाई जैसे हमें 2008 तक जो फिजिकल डेफिसिट है वो हमारी जीडीपी का 3% लेके आना है, तो गवर्नमेंट उससे ज्यादा खर्चा वो नहीं करेगी, तो लिमिट लगाने के लिए लेके आया गया था और उसमें कुछ छूट भी दी गई थी, और ये मेनली एनके सिंह कमेटी आई थी उसके सुझाव पे आई थी। तो ये चीज भी हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। छूट इस तरीके से दी गई थी कि जैसे कि कोई मतलब पूरे इंटरनेशनल मार्केट में मंदी आ जाती है या फिर कोई देश के अंदर आपातकाल आ जाता है या फिर पड़ोसी देश से लड़ाई वगैरह हो जाती है, मतलब ऐसे रीजंस हो जाते हैं कि जिससे हमारी इकोनॉमी अच्छे ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाती है, उस केसेस में एफआरबीएम एक्ट के जो रूल्स हैं वो हमें फॉलो नहीं करने होते हैं। बट ये एफआरबीएम इसलिए लेके आया था नॉर्मली कि हमारे देश का जो राजकोषीय घाटा है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो आर्टिकल कह रहा है कि 2008 में इसका टारगेट ये रखा गया था 2008 का कि भाई जो हमारे फिजिकल डेफिसिट है वो 3% लेके आना है, और कहीं हद तक गवर्नमेंट इसके पास भी काफी करीब पहुंच गई थी कि 3% अचीव करने वाली थी। बट हुआ क्या, उसी टाइम पे आपको पता कि पूरे वर्ष में फाइनेंशियल एक तरीके से मंदी हो आ गई थी, इकोनॉमी मंद हो गई थी, तो उसकी वजह से क्या कि टारगेट वो अचीव नहीं किया, क्योंकि गवर्नमेंट को खर्चा तो करना ही पड़ता है। देखो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ा और गवर्नमेंट ने इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाई। इसके बाद में राइटर साहब कह रहे हैं कि देखो जो एफआरबीएम एक्ट है इसको गवर्नमेंट दो बार चेंज कर चुकी है। गवर्नमेंट का चेंज करने का ये बात कहा जा रहा है कि 2015 में गवर्नमेंट इसके टारगेट थे वो चेंज कर दिए, और इसी के साथ अभी देखा जाए तो 2018 के बजट में भी गवर्नमेंट ने एफआरबीएम एक्ट में चेंज करने की बात की है। तो राइटर इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि देखो ये कहने की बात गलत है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इस तरीके से इसको एक तरीके से चेंज करती है, इसमें अमेंडमेंट करती रही एफआरबीएम एक्ट में, तो इससे होगा क्या कि जो आगे वाली गवर्नमेंट आएंगी वो भी इस चीज़ को मतलब अपडेट करती रहेंगी और वो भी एक तरीके से क्या कि नया डाटा लेके आएंगे, तो उससे नुकसान नहीं होगा कि जो टारगेट है फिजिकल डेफिसिट का गवर्नमेंट का वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो देखो अभी तक टारगेट ये था कि हमारे देश की इकोनॉमी का 2018 का टारगेट ये रखा गया था कि जो जीडीपी है उसका 3% जीडीपी का 3% है वही फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए। बट हुआ क्या, अभी इस बार का काफी ज्यादा था, हमने देखा था 3.5 की अप्रोक्सीमेट था, तो गवर्नमेंट ने अभी इस बार एफआरबीएम एक्ट में संशोधन करने की बात ये की है कि भाई जो टारगेट था 2018 का वो हम 2021 तक पोस्टपोन कर रहे हैं, मतलब फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट 3% था वो हम 2021 में अचीव करेंगे। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का खर्चा फालतू का बढ़ रहा है। रीजन हमने सारे यहाँ पे देख लिए। इसके साथ ही जो एनके सिंह की कमेटी आई थी उसने कुछ अच्छे सुझाव भी दिए थे। एनके सिंह कमेटी ने देखो बहुत अच्छी अच्छी बातें की थी, पर गवर्नमेंट उन चीजों को प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पाई है। एनके सिंह कमेटी ने यह कहा था कि भाई एक तो गवर्नमेंट है जो खर्चे कर रही है इसके लिए एक तरीके से कोई बॉडी होनी चाहिए, मतलब एक रिव्यू कमेटी होनी चाहिए ताकि वो गवर्नमेंट के खर्चे को देख सके। देखो इसके लिए हमारे देश में केग वगैरह वो बनाई गई हैं, बट आपको पता है केग वगैरह वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर सकती, केवल वो टूथलेस टाइगर वाली सिचुएशन है उनकी। तो एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो गवर्नमेंट के खर्चे को कंट्रोल मतलब मॉनिटर करे कि हाँ भैया आप यहाँ फालतू खर्चा कर रहे हो, इस खर्चे को आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से क्योंकि गवर्नमेंट का एक्स्ट्रा खर्चा है नाप सुनाप का उस पर लगाम लग सकती है, बट ना ही गवर्नमेंट ने इस चीज़ को इंप्लीमेंट किया। इसके बाद में बात आती है कि डेप टू जीडीपी रेशियो, तो डेप टू जीडीपी रेशियो है वो गवर्नमेंट को 2022-23 तक है वो 60% करना है, और इसके लिए भी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ढीला डाला रही है वो अपना रही है। और मेन बात ये थी कि गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे इन्वेस्ट करना होगा, बट गवर्नमेंट क्या करिए सब्सिडी वगैरह और पॉपुलिज्म पे फोकस ज्यादा करिए, तो ये भी हमारे देश की इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। अभी हमने देखा था कि इस तरीके से यूपी के अंदर लास्ट टाइम पे जब हालात हुए थे तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे मतलब जो किसानों का लोन था वो माफ कर दिया था। तो राइटर ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट किसानों का लोन माफ करती है ना, उसे सभी किसानों को फायदा नहीं होता है,
क्योंकि देखो जो कुछ लोअर क्लास के जो जैसे लोअर के मार्जिनल जो किसान होते हैं वो क्या है कि बैंकों से लोन लेते नहीं है, वो तो मार्जिन वगैरह इनसे लोन लेते हैं, तो उनका लोन माफ थोड़ी हुआ। लोन तो उन्हीं का माफ हुआ ना कि जिन्होंने बैंक से मतलब इंस्टीट्यूशनल लोन लिया था, तो छोटे किसान उनको तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं, और गवर्नमेंट उन्हीं की हालत सुधारना चाहती है, तो ऑल ओवर क्या हुआ, मतलब गवर्नमेंट जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा नहीं है। और गवर्नमेंट को इस चीजों की बजाय गवर्नमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करती कि भाई किसानों को फ्री में बीज दे देती या फिर किसानों के लिए सिंचाई के साधन से वो फ्री में प्रोवाइड करती, नहर वगैरह बना के देती, तो उसका काफी अच्छा यूटिलाइजेशन हो सकता था। पॉपुलेशन की जो स्कीम्स आती हैं लोकल भवन वादे वाली, इनसे कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं होता है गवर्नमेंट को, बट गवर्नमेंट शॉर्ट टाइम के लिए अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए इस तरीके के हथकंडे वो अपनाती रहती है। तो आर्टिकल कंप्लीट था, इसमें ये बातें बताई गई कि गवर्नमेंट को इन चीज़ों जो एनके सिंह कमेटी के जो सुझाव थे उन पर फोकस करना चाहिए, कि जो एक तो मैंने सबसे बड़ा ये था कि रिव्यू कमेटी होनी चाहिए जो फालतू के खर्चों को कंट्रोल करने के लिए, तो गवर्नमेंट उस दिशा में कदम उठाए। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, आई होप अब आप आराम से आंसर है वो लिख सकते हो। अब चलते हैं हम अगले, अगला जो आर्टिकल है वो मैंने लिया है वेस्टर्न घाट के बारे में। तो देखो वेस्टर्न घाट है, इस पे यूपीएससी काफी बार क्वेश्चन पूछती भी है, तो सबसे पहले दो तीन चीज तो हमें इसमें ये ध्यान रखनी है कि वेस्टर्न घाट के ऊपर दो कमेटी आई थी, एक कमेटी आई थी गडगिल कमेटी और एक कमेटी आई थी कस्तूरीरंजन कमेटी, और यूपीएससी ने गडगिल कमेटी के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा है। गडगिल कमेटी का मेन रिकमेंडेशन सुझाव ये था कि भाई वेस्टर्न घाट है उसको पूरे को इको सेंसिटिव जोन है वो घोषित कर दो, और कस्तूरीरंजन कमेटी का ऐसा कहना था कि वेस्टर्न घाट का जितना एरिया है उसका 37% जो एरिया है उसको इको सेंसिटिव जोन है वो घोषित कर दो। तो ये बेसिक थोड़ा डिफरेंस है, चीज हमें पता होना चाहिए कि गडगिल कमेटी क्या थी और कस्तूरीरंजन कमेटी क्या है। वेस्टर्न घाट आपको पता है मेनली 6 स्टेट में फैला हुआ है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, गोवा में है, कर्नाटका में, केरल और तमिलनाडु में। इसके साथ हम इसकी देखो मैप है वो भी साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये आप यहाँ पे मैप देख सकते हो, जो स्टेट है हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र, ये मेनली मतलब गुजरात का एरिया भी अब है, महाराष्ट्र का एरिया गया यहाँ पे, इसके बाद में यहाँ पे गोवा का एरिया, थोड़ा सा गोवा का एरिया भी ये देख सकते हो, यहाँ पे तमिलनाडु आ गए, तमिलनाडु में देखो थोड़ा हिस्सा है इसका, ये केरला वाला एरिया है, और ये थोड़ी लोकेशन से हमें पता होना चाहिए, कर्नाटक का पूरा एरिया यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, ऊपर थोड़ा सा हिस्सा है वो एक्चुअली गुजरात का, यहाँ पे दिख नहीं रहा है मैप में। तो आप मेनली समझ सकते हो चीज़ को कि जो मेनली एरिया वो इस वाले वेस्टर्न घाट पे। अब देखो वेस्टर्न घाट के बारे में दो तीन चीज़ें हमें जान लेनी चाहिए पहले, कि वेस्टर्न घाट है वो एक तो बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश की जो मैक्सिमम स्पीसीज है वो वेस्टर्न घाट में पाई जाती है, ये चीज़ हमने देखो काफ़ी टाइम से हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अब इस चीज़ का हमें पता चल चुका है। इसके साथ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का भी एक मेन एरिया है, और यह इंडिया का एक ऐसा एकमात्र बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया जो पूरे प्रॉपर ढंग से मतलब इंडिया में है, ऐसा नहीं कि ये पड़ोसी देशों में फैला हुआ है, क्योंकि इंडिया में 4 मेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में जानेंगे कौन कौन से हैं, बट वो 4 हैं, उन 4 में से केवल एक ही है जो वेस्टर्न घाट है ये प्रॉपर ढंग से इंडिया में है, बाकी क्या है कि पड़ोसी देशों में फैले हुए हैं। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन 4 इंडिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखो राइटर ये बता रहे हैं मेनली कि इस बार का जो फोकस है इस आर्टिकल में वो किया गया है मेनली गोवा पे, कि गोवा में क्या है कि जो लोहे के लिए माइनिंग वगैरह है, आयरन की माइनिंग वगैरह वो काफी ज्यादा होती है, तो उसको लेके ही आर्टिकल कुछ पॉइंट बता रहे हैं। तो राइटर का ऐसा कहना है कि देखो गवर्नमेंट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी नई गाइडलाइन जारी की है कि भाई वहाँ पे जो प्रोजेक्ट लगाए जा रहे थे उन प्रोजेक्ट का जो पहले का टेंडर वगैरह था वो सारे कैंसिल करने की बात की है, और ये कहा कि भाई नए सिरे से वहाँ पे फ्रेश लाइसेंस है वो लोगों को, मतलब फ्रेश लाइसेंस है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएंगे, और उनमें हमारे इन्वायरमेंट को फोकस किया जाएगा, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइसेंस है वो दिया जाएंगे ताकि हमारे इन्वायरमेंट पे लॉस ना हो। क्योंकि अभी देखा जा रहा था कि काफी बार मतलब एक तरीके से वहाँ सामना मामले सामने आ रहे थे कि वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है, इलीगल तरीके से माइनिंग वगैरह हो रही है, तो गवर्नमेंट उन सबको कव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइन है वो जारी की गई है। तो उसमें आर्टिकल में कुछ बेसिक एक दो पॉइंट थे वो यही थे, इसमें मेनली ये कहा गया कि जो फ्रेश जो नए प्रोजेक्ट हैं वो फ्रेश तरीके से लाए जाएंगे और हमारे इन्वायरमेंट को ज़्यादा फोकस करना होगा, तभी हमारे जो बायोडाइवर्सिटी एरियाज है हॉटस्पॉट एरिया उनको बचाया जा सकता है। तो गवर्नमेंट को इस दिशा में और भी कदम उठाने चाहिए और ज़्यादा इस डिस्ट्रिक्ट जो एक्शन है वो लेके आने होंगे यहाँ पे, ताकि अच्छा रिजल्ट है वो मिल सके। तो ये इस आर्टिकल में कुछ बेसिक पॉइंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब चलते हैं हम आगे, अगला जो आर्टिकल है यह मेनली आया है ट्रेडिशनल मेडिसिन जो मतलब आयुर्वेदा वगैरह होते हैं होम्योपैथिक उनके बारे में, इसी के साथ में आया है जो साइंटिफिक मेडिसिन होते हैं जो केमिकल मेडिसिन होती हैं जो कि आजकल हम यूज करते हैं, मतलब जो मेडिकल स्टोर पर मिलती है अंग्रेजी दवाइयाँ जिन्हें बोलते हैं, इनके बारे में। तो देखो इनमें इस आर्टिकल में मेनली ये कहा गया कि जो ट्रेडिशनल मेथड मेडिसिन के मेथड होते हैं जैसे कि आयुर्वेदा हो गया या फिर चाइनीज सिस्टम हो गया, चाइनीज सिस्टम में आता है जैसे एक्यूप्रेशर वाला सिस्टम, इसके साथ ही आता है कि जो नया आता है वो आता है आयुर्वेदा हो गया, इसमें होम्योपैथिक होगा, तो इन तीनों के बारे में कहा गया है कि जो एक तो ट्रेडिशनल के अंदर कौन सा आएगा, पहला तो देखो आएगा आयुर्वेदिक, दूसरा दे दिया इसमें चाइनीज वाला और तीसरा दे दिया
होम्योपैथी, तो इन तीनों को और एक साइड रखा गया है, वो रखा गया कि केमिकल जो कंपोनेंट वाला जो अंग्रेजी दवाइयां होती है इनको, तो आर्टिकल कह रहा है कि इन तीनों इन दोनों को मर्ज कर देना चाहिए, मतलब एक तो ट्रेडिशनल मेथड हो गए और एक साइड हो गए साइंटिफिक मेथड, इन दोनों को मर्ज कर देना चाहिए, ये मेनली क्वेश्चन है। बट राइटर ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा सही नहीं है, इन दोनों मर्ज नहीं हो सकती क्योंकि इन दोनों का कॉन्सेप्ट काफी अलग है, इन दोनों का बेस बहुत अलग है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इन दोनों को एक साथ मर्ज किया जा सकता है। तो हम तीनों के बारे में जो अच्छे से दोनों तीनों के बारे में अच्छे से देख लेते हैं कि चाइनीज सिस्टम क्या है, साइंटिफिक सिस्टम क्या है और ट्रेडिशनल में आयुर्वेदा वगैरह होम्योपैथिक वगैरह क्या है। तो देखो सबसे पहले राइटर ने द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो ट्रेडिशनल मेथड है जैसे आयुर्वेदा हुआ वो हमारे देश का काफी पुराना है, मतलब काफी सदियों से चल रहा है वेदों के टाइम से, तो ये मेथड बहुत डिफरेंट है। जबकि देखा जाए तो साइंटिफिक मेथड जो अंग्रेजी दवाइयों वाला कॉन्सेप्ट है वो देखो अभी भी लेटेस्ट है, यूरोप के अंदर इसकी स्टार्टिंग हुई थी और इससे मेनली केमिकल जो कंपाउंड है उन पे फोकस किया जाता है, मतलब केमिकल कंपाउंड है उनको एक निश्चित रेशियो में मिलाया जाता है और उसके बाद मेडिसिन के तौर पर यूज किया जाता है। और रही बात यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड की, चाहे आयुर्वेदा ले लो, चाहे आप ट्रेडिशनल में एक्यूप्रेशर ले लो जो कि चाइनीज मेथड के अंदर आता है, या फिर आप होम्योपैथिक ले लो, तो इन तीनों आप ऑलमोस्ट सिमिलर से ही हैं और ये मैंने क्या होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। अब आप जानते हो कि आयुर्वेदिक में होता है क्या, आयुर्वेदिक में जो नेचुरल जो पेड़ पौधे मेडिसिन होती हैं उन पर फोकस किया जाता है, मतलब जो पेड़ पौधे हैं उनकी छाल वगैरह होगी, उनकी पत्तियां वगैरह होगी, उनका जूस वगैरह होगा, इन चीज़ों पर फोकस किया जाता है ताकि रिजल्ट अच्छा मिले और ये मैनली इको फ्रेंडली होती हैं और इनसे कोई लॉस वो नहीं होता, मतलब हमारे बॉडी को कोई भी साइड इफेक्ट वगैरह वो नहीं होता है। बट इनके ट्रीटमेंट का एक डिसएडवांटेज ये है कि काफी लंबा इनका ट्रीटमेंट चलता है, बट इनका ट्रीटमेंट है वो काफी सॉलिड भी होता है कुछ हद तक कि भाई एक बार इनका ट्रीटमेंट हो गया आयुर्वेदा के द्वारा तो मतलब आपका परमानेंट होगा और इसमें जो भी मतलब काफी रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि आप ये चीजें नहीं खा सकते तो वो भी लिमिट होती है। और देखा जाए तो साइंटिफिक में अंग्रेजी दवाओं में ये होता है कि उसमें केमिकल्स हैं उनको यूज किया जाता है जिनकी एफिशिएंस तो काफ़ी अच्छी होती है और डायरेक्टली उसी बीमारी को अटैक करते हैं, बट इनके साइड इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, या बेसिक इन चीज़ों को जानते हो कि साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि पेन के लिए आती है डाइक्लोफिनेक मेडिसिन आती है वो ओबियसली किडनी को डायरेक्टली इफेक्ट करती है और किडनी के लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है, रिजल्ट बहुत जल्दी अच्छा मिलता है जैसे पेन के में बहुत जल्दी राहत वो मिलती है बट उसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो राइटर ये कह रहे हैं कि जो रोग डायग्नोस्टिक है, रोग जो डिजीज डायग्नोस्टिक है उस पर ज़्यादा फोकस करना होता है इसमें, और उसके बाद हम जो ये दवाई हैं केमिकल कंपाउंड वाली दवाई हैं अंग्रेजी दवाई हैं ये एक्चुअली पेशेंट है वो लेते हैं। बट वहीं देखा जाए तो ट्रेडिशनल दवाई हैं इनमें क्या है, ट्रेडिशनल दवाओं में ज़्यादा क्या क्या जाता है, इसमें कहते हैं भाई आप खाने पीने पर थोड़ा ध्यान रखो, बस जो कहा जाता है कि परहेज वगैरह रखना होता है ताकि अच्छा रिजल्ट है वो मिल सके, तो इन ये दोनों के कॉन्सेप्ट ही काफी अलग है, तो इन दोनों को एक साथ मर्ज है वो नहीं कह सकता। अब देखो एक्यूप्रेशर की बात आती है तो एक्यूप्रेशर का रिजल्ट भी ऐसा नहीं है कि तुरंत मिलता है, तो मैनली एक्यूप्रेशर को ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर ही रखा गया है और इन दोनों को कंपेयर किया गया कि ट्रेडिशनल जो मेथड है वो किस तरीके से काम करते हैं और साइंटिफिक मेथड है वो किस तरीके से काम करते हैं। तो हमने इन दोनों के बारे में अच्छे से देखा कि कौन कौन से रीजन थे, वो यहाँ पे एक एक करके हमने डिस्कस कर लिया। तो आज की डिस्कशन में मेनली यही कुछ पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किए, बाकी जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया, ऊपर एक बात हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन था वो था FRBM एक 2003 के बारे में कि गवर्नमेंट FRBM एक 2003 क्यों लेके आई थी और इसकी क्या क्या विशेषता, मतलब इसकी क्या क्या खासियत है वो बतानी है और इसके साथ ही आपको बताना है कि इसकी इफेक्टिवनेस मतलब प्रभावशीलता है उसके बारे में आपको बताना है, तो मतलब अच्छे ढंग से आपको क्रिटिसाइज है वो इसको करना है, 250 में आपको आंसर है वो देना है। इसके बाद में आता है FRBM एक्ट, हमने डिस्कस किया अच्छे से इसके बारे में कि गवर्नमेंट 2003 में इसको लेके आई थी ताकि जो गवर्नमेंट फालतू खर्चा करी उसको वो लगाम लगाई जा सके, इसमें एनके सिंह कमेटी के सुझाव दिए गए थे बट उनको गवर्नमेंट प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पाई। अब हमारे देश में जो फिजिकल डेफिसिट वो क्यों बढ़ रहा है उसके रीजन हमने डिस्कस किए और उसके बाद ही गवर्नमेंट अब इस साल के बजट में जो अपडेट है वो करना चाहती है, मतलब मॉडिफिकेशन वो कर रही है, तो वो भी हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं, अगर राजकोषीय घाटा बढ़ेगा तो उससे हमारे देश का फालतू खर्चा वो बढ़ेगा और हमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट वो नहीं मिलेगा। इसके बाद में बात आती है वेस्टर्न घाट की, तो वेस्टर्न घाट हमने डिस्कस किया कि 6 स्टेटों में फैला हुआ है, इसके ऊपर 2 कमेटी आई थी और मेनली इस बार के आर्टिकल में गोवा पे फोकस किया गया है कि वहाँ पे जो आयरन की माइनिंग वगैरह होती है उसके ऊपर लगाम लगाया जाए कि वो हमारे देश की इकोनॉमी हमारे देश की जो इन्वायरमेंट है उसको बहुत नुकसान पहुंचा रही है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि भाई फ्रेश जो प्रोजेक्ट लाइसेंस है वो दिया जाए और जो पुराने उनको कैंसिल कर दिया जाए, नए सिरे से इन्वायरमेंट को फोकस करते हुए काम किया जाए। इसके बाद में हमने ट्रेडिशनल मेथड जैसे कि आयुर्वेदा हुआ, एक्यूप्रेशर हुआ या फिर होम्योपैथी हुआ, इनको और इसके साथ साइंटिफिक जो मेथड है मतलब अंग्रेजी दवाई है इनको कंपेयर किया कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से काम करते हैं, तो हमने इसका प्रोसीजर देखी कि जो इफेक्टिवनेस है वो किसकी अच्छी होती है, लॉन्ग प्रोसीजर वगैरह वो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन, आज के डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।